23 अगस्त को भारत के वैज्ञानिकों ने ऐसा कारनामा कर दिया कि दुनिया की तमाम बड़ी शक्तियां इसरो के आगे नतमस्तक हो गईं। सोशल मीडिया से लेकर मेनस्ट्रीम मीडिया तक सिर्फ और सिर्फ देश के वैज्ञानिकों और इसरो का जिक्र ही छाया रहा। होता भी क्यों ना, बात ही कुछ ऐसी थी, क्योंकि इसरो का मिशन चंद्रयान न सिर्फ सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है, बल्कि अब विक्रम लैंडर से रोवर प्रज्ञान भी बाहर आ गया है। आपको बता दें कि विक्रम ने रोवर के निकलते हुए फोटो इसरो को भेजी है, जो बेहद रोमांचित करने वाली है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने गुरुवार सुबह ताजा तरीन अपडेट साझा किया और ट्वीट में लिखा, चंद्रयान 3 रोवर मेड इन इंडिया मेड फॉर मून। चंद्रयान 3 का रोवर लैंडर से नीचे उतरा और भारत ने चंद्रमा पर सैर की। जानकारी के अनुसार रोवर एक 6 पहिए वाला रोबोटिक व्हीकल है, जो चंद्रमा की सतह पर सैर करेगा और फिर तस्वीरें खींचेगा। बता दें कि प्रज्ञान रोवर में इसरो का लोगो और भारत का तिरंगा बना हुआ है। इसरो के अनुसार रोवर के अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी APXS का इस्तेमाल रासायनिक संरचना जांचने और खनिज संरचना का अनुमान लगाने के लिए किया जाएगा, ताकि चांद की सतह के बारे में जानकारी को बढ़ाया जा सके। लैंडर में एक और पेलोड भी मौजूद है, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर लैंगमुइर प्रोब यानी RAM-BHALP, जो चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा, आयरन तथा इलेक्ट्रॉन के घनत्व को मापेगा और ये भी जांचेगा कि ये समय के साथ कैसे बदलते हैं। इसके अतिरिक्त चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी चेष्टे चांद के ध्रुवीय क्षेत्र के पास सतह के थर्मल गुणों को मापेगा। चंद्रमा पर भूकंपीय गतिविधियों को मापने के लिए ले जाया गया उपकरण लैंडिंग स्थल के आसपास की भूकंपीयता को मापेगा। चांद पर लैंडर की लैंडिंग के 4 घंटे बाद प्रज्ञान रोवर बाहर निकला। प्रज्ञान की स्पीड की बात करें तो ये 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलेगा। इस दौरान कैमरों की मदद से रोवर पर चांद पर मौजूद चीजों की स्कैनिंग की जाएगी। प्रज्ञान चांद पर के मौसम की भी जानकारी देगा। रोवर चांद की सतह पर मौजूद इयॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा को भी पता लगाएगा। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए अपेक्षाकृत एक समतल क्षेत्र को चुना। उसके कैमरे से ली गई तस्वीरों से ये पता चला है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने कहा कि विक्रम के सफलतापूर्वक चंद्रमा पर पहुंचने के तुरंत बाद लैंडिंग इमेजर कैमरा ने ये तस्वीरें कैद की हैं। तस्वीरें चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल का एक हिस्सा दिखाती हैं। उसने कहा, लैंडर का एक पैर और उसके साथ की परछाई भी दिखाई दी। फिलहाल अब चांद से आने वाली हर तस्वीर भारत के सीने को गौरवान्वित कर रही है। वही दुनिया में अब भारत का मान और बढ़ गया है।